कल विपक्ष की तरफ से आरंभ में ये कहा गया कि वो चर्चा चाहते हैं संसद के अंदर, सरकार की तरफ से कहा गया कि चर्चा चाहते हैं तो तुरंत चर्चा आरंभ की जाए। ये स्पष्ट हो गया सबके सामने कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं था, उनके पास कोई तथ्य नहीं थे। आज सुषमा जी ने एक लंबा भाषण दिया बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में, और जो संसद में बोलना चाहती हैं उसके संबंध में अपने कुछ तर्क सामने रखे थे। हम लोग तो चाहेंगे कि पूरा देश उस तर्कों को सुने और स्पष्ट हो जाएगा कि सच्चाई क्या है, क्योंकि ना विपक्ष की तैयारी है ना कोई तथ्य उनके पास हैं। तो आज उन्होंने एक रवैया बदल लिया है और ये कहा कि जांच करवाई जाए। जांच तब होती है जब किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हो, किसी लीगल प्रोविजन का उल्लंघन हो। बार बार हमने पूछा कि कृपया ये तो बतला दीजिए कि कौन सा कानून है जिसको उन्होंने वायलेट किया है जिसमें जांच हो सके, और किस प्रावधान में जांच होगी। इसका कोई उत्तर नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट है कि सरकार इस पे चर्चा चाहती है कि पूरा देश तमाम तथ्यों को सुन सके और उसके बाद संसद की कार्रवाई ढंग से चले। बहुत महत्वपूर्ण जनहित के विषय हैं, कानून है जो संसद ने पास करने हैं, उसके बाद उनके ऊपर चर्चा हो पाए। येस्टरडे द ऑपोजिशन वॉन्टेड अ डिस्कशन ऑन द इश्यूज, वी इमीडिएटली कंसीडेड टू द डिस्कशन, बट द ऑपोजिशन वॉज नॉट रेडी एंड दे डिड नॉट वॉन्ट अ डिस्कशन। उसके बाद स्पष्ट हुआ कि उन्होंने अपना रवैया बदला, दे चेंज देयर स्टांस। टुडे दे से लेट देयर बी एन इन्वेस्टिगेशन। नाउ इन्वेस्टिगेशंस आर हेल्ड व्हेन देयर इज सम प्रोविजन ऑफ लॉ व्हिच इज वायलेटेड बाय अ पर्सन। देयर वर पीपल हु इन 2G हैड वायलेटेड द लॉ, दे वर बीइंग प्रोसिक्यूटेड, दे हैड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इन द कोल स्कैम पीपल हैड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। Now nobody has been able to point out, despite repeated requests, as to which is the provision of law they allege that anyone has violated or the External Affairs Minister has violated. They are unable to point out. Today Sushma ji gave her elaborate reasoning before the parliamentary party meeting, and the whole party wants her to give this reasoning before the country. But obviously the opposition is weak on arguments, they are strong on disturbance. आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की रिपोर्ट सिलेक्ट कमेटी ने रखी है और हम लोग चाहेंगे कि पूरे देश में ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन है टैक्सेशन पॉलिसी में, इनडायरेक्ट टैक्सेस में, उसकी बहस संसद में तुरंत आरंभ हो और ये संविधान संशोधन पारित हो। ये कानून पहली बार सन 2006 में इसका सुझाव दिया गया था, उसके बाद यूपीए की सरकार ने इस कानून को इंट्रोड्यूस किया था और बार बार चर्चा के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने भी एक कुछ सुझाव दिए, उनका भी रवैया था। और ये जो कानून बनाया था हमने सबसे चर्चा करने के बाद बनाया था। कांग्रेस काल के जो वित्त मंत्री थे और दोनों वित्त मंत्रियों के फाइल्स पे टिप्पणियां और ऑब्जर्वेशंस भी हैं जो पुरानी स्टैंडिंग कमेटी के सुझावों को स्वीकार करते हुए, आज जो कांग्रेस पार्टी ने सेपरेट डिसेंट नोट दिया है, इट्स हार्डली अ डिसेंट अगेंस्ट द बिल, इट्स अ डिसेंट अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टीज ओन प्रपोजल्स विच वर ओरिजिनली गिवन। अल्कोहल को बाहर रखा जाए ये 100% कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का कहना था और कांग्रेस के सांसद उनके मुख्यमंत्रियों के सुझाव के खिलाफ डिसेंट नोट दे रहे हैं। ये तो उनके भी बिल में था और जो भी सुझाव उन्होंने दिए हैं वो अपने बिल के खिलाफ, जो स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस कांग्रेस के वित्त मंत्रियों ने स्वीकार की थी उसके खिलाफ, और कांग्रेस के